मुकेश अंबानी के वॉलेट में कितने पैसे होते हैं? क्या हुआ जब इस हैकर ने बस 15 सेकंड में आईफोन 13 को हैक कर लिया? और क्यों इस औरत को सिर्फ कैप्स लॉक यूज करने की वजह से जॉब से ही निकाल दिया गया? और खराब हुए आईफोन को रिप्लेस करवाने के बाद उन आईफोन का क्या होता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, एक औरत को उसके जॉब से निकाल दिया गया, वो भी बहुत छोटी गलती के लिए। दरअसल ये अपने ईमेल्स टाइप करते समय बहुत ज्यादा कैप्स लॉक यूज करती थी और कैपिटल में लिखती थी, और ये बात मैनेजर को पसंद नहीं आई तो उसने उसे डायरेक्ट जॉब से ही निकाल दिया। नंबर 19, एक ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक कॉम्पिटिशन करती है जिसमें कई अलग अलग हैकर्स अपने स्किल को दिखाते हैं। इस साल भी ये कॉम्पिटिशन हुआ और इस बार एक हैकर ने बस 15 सेकंड के अंदर आईफोन 13 को हैक कर दिया। तो आपके जो आईफोन वाले फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं आईफोन को कोई हैक नहीं कर सकता, तो उनको बताओ कि वो गलत है। नंबर 18, कई लोग खाना खाने से पहले उसकी फोटो लेते हैं क्योंकि अच्छे खाने की फोटो को लाखों में लाइक्स आते हैं, और इसीलिए जर्मनी में एक ऐसा रूल बना कि अगर आप किसी भी फूड का फोटो खींचते हो तो वो फोटो का राइट शेफ को मिलेगा, और अगर उस फोटो से आपको अर्निंग होगी तो आपको वो शेफ को देनी पड़ेगी। नंबर 17, यूएसए में रहने वाली एक महिला को कहीं जाना था तो उसने उबर से टैक्सी ऑर्डर करने का सोचा, और लोकेशन डालने के बाद उसे कई ऑप्शंस मिले, उसमें से एक ऑप्शन था हेलीकॉप्टर राइड का, और शॉकिंगली हेलीकॉप्टर राइड ही सबसे चीपेस्ट था। वो महिला भी बहुत कंफ्यूज थी, फिर उस महिला ने एक आम टैक्सी ही ऑर्डर की क्योंकि उसे लगा शायद ये किसी टाइप का ग्लिच होगा। नंबर 16, 1880 में थाईलैंड की क्वीन एक तालाब के पास बैठने आई थी, और तभी वो तालाब में अचानक से डूबने लगी। वहाँ कई नौकर थे और कई ड्राइवर भी थे, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं गया और वो डूब के मर गई। आप सोच रहे होंगे कि किसी ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? दरअसल नौकरों के लिए रानी को छूना अलाउड नहीं था। एक बार एक नौकर ने गलती से रानी को टच कर दिया था तो उसे बहुत बुरी सजा दी गई थी, और इसीलिए डर के किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। नंबर 15, चाइना में रहने वाला एक आदमी था जिसने 50 साल लगातार काम करके अपनी पत्नी के लिए 6000 सीढ़ियां तैयार की ताकि उसकी पत्नी को पहाड़ से ऊपर नीचे जाने में आसानी हो सके। यह आदमी सुबह काम पर जाता था और घर आते ही अपने हाथों से सीढ़ी को खोदने बैठ जाता था। इनकी डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 14, घोड़े का ये कमाल का फैक्ट है कि उन्हें ये याद रहता है कि पिछली बार जब वो इस व्यक्ति से मिला था तो इस व्यक्ति ने उसके सामने स्माइल की थी या फिर उस पे गुस्सा किया था, और इसी वजह से कई बार देखा गया है कि घोड़े बदला भी लेते हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई महीने बाद थी। नंबर 13, इलोन मस्क की पिछले कुछ मंथ में उनकी जितनी नेटवर्थ इंक्रीज हुई है उसका अंदाजा लगाने के लिए जो टॉप 5 बिलियनर्स में से जो वॉरेन बफेट आते हैं, उन्होंने पिछले 90 सालों में जितना पैसे अर्न नहीं किए उससे ज्यादा पैसे इलोन मस्क ने बस 8 से 9 महीने के अंदर अर्न कर लिए। नंबर 12, मोबाइल में चलते चलते लोग रोड पर रेड या ग्रीन लाइट को नोटिस नहीं करते, और इसकी वजह से साउथ कोरिया में क्रॉसिंग पर ऐसे रेड और ब्लू कलर की लाइटिंग लगाई गई है। जब भी कोई व्यक्ति इन लाइट्स के नजदीक आता है तो उनके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो ये बताता है कि वो रोड क्रॉस करने वाले हैं। अभी ये बस कुछ ही इलाकों में शुरू हुआ है। नंबर 11, आप ये बात नहीं जानते होंगे कि चांद पर भी अर्थक्वेक्स आते हैं जिसे मून क्वेक्स कहा जाता है। ये अर्थक्वेक के मुकाबले बहुत कम आते हैं क्योंकि चांद पर किसी भी प्रकार के लोग नहीं रहते। चांद पर साल में ज्यादा से ज्यादा 5 बार मून क्वेक्स आते हैं। नंबर 10, चाइना में एक मिलियनेयर था और उसकी एक बैंक के गार्ड से किसी बात को लेके बहस हो गई, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो गया और इसीलिए उसने बैंक में से 5 करोड़ रुपए विड्रॉ किए। और यही नहीं, उस मिलियनेयर ने कहा कि उन्हें सारे पैसे गिनकर चाहिए क्योंकि उनको बैंक पर भरोसा नहीं है। फिर वर्कर्स को 5 करोड़ रुपए बैठकर गिनने पड़े। नंबर 9, खुजली होने पर जब भी हम हमारे एंकल को खुजाते हैं तो इससे हमारे पूरे शरीर को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है क्योंकि वहाँ हमारी नसें होती है, इसकी वजह से ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। नंबर 8, जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनकी कमाई का अंदाजा लगाने के लिए जब तक आप इस वीडियो को खत्म करोगे यानी कि 10 मिनट के अंदर, ये इतने पैसे कमा लेते हैं कि ये 4 लैम्बोर्गिनी वो भी फुली लोडेड खरीद सकते हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक ऐसा बच्चा है जो कि एक करोड़पति है और वो एक ट्री हाउस में रहता है, मिली है जस्टिन से। इसने अपनी सारी चीजें बेच दी थी और पैसे बचाने के लिए ये एक ट्री हाउस में रहने लगा, और ये उन सारे पैसों को बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता था, और अब ये एक करोड़पति है। क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? अगर हाँ तो आज हम आपके लिए लाए हैं कॉइन स्विच कुबेर ऐप, जिसके जरिए आप 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो और 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इस ऐप का यूजर इंटरफेस ऑनलाइन फूड को ऑर्डर करना या कैब्स को बुक करने जितना आसान है। यहाँ पर आप सुपर फास्ट KYC कर सकते हो और
इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हो। पिछले 14 महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ रजिस्टर किया है। और आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानना है तो इनके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। और अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करने पर आपको 50 रुपीज का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो ट्रेड करो बेफिक्र। और अब तो रणवीर सिंह इज द फेस ऑफ कॉइन स्विच, तो कुछ तो बदलेगा। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से कॉइन स्विच ऐप को डाउनलोड करो। लेकिन हाँ, क्रिप्टो करेंसी में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना, मार्केट को स्टडी करने के बाद ही। नंबर 6, पूरी दुनिया में आज तक जितना भी सोना माइन किया गया है उसमें से आधे से ज्यादा गोल्ड एक ही जगह से आया है, और ये जगह है विल्स वाटरलैंड। यहाँ तक आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में सोना मौजूद है। इंडिया में जितना सोना है उसमें से 9% यही से आता है, लेकिन फिर भी ये कंट्री गरीब है क्योंकि इनके पास अपना सोना होने के बावजूद भी इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये उस सोने को हार्वेस्ट करके बेच सके, और इसीलिए इनके सोने को बाहर के देश ही हार्वेस्ट करके बेचते हैं। नंबर 5, इस इमेज को देखो, इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई रियलिस्टिक मॉडल है, पर एक्चुअली में ये एक मलेशिया का आइलैंड है जिसमें सारे लोग रहते हैं जो बाढ़ से बचे हैं, और ये वाकई में काफी कमाल का दिखता है। नंबर 4, हाल ही में चाइना के आसमान में 1500 ड्रोन्स मिलके एक QR कोड बनाए थे। कुछ देर तक लोग भी काफी कंफ्यूज थे, लेकिन जब उसे स्कैन किया गया तो पता चला कि वो किसी गेम का लिंक था जो अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा कर रहे थे, पर ऐसा करने की वजह से उन्हें कुछ फाइन भी देना पड़ा। नंबर 3, ये फैक्ट तो नहीं पर ये मुझे काफी फनी लगा। ये आदमी अपने डॉग को वॉक पर लेके गया था और वहाँ इनके पीछे और एक डॉग लग गया। आमतौर पर कोई पेट डॉग हो तो वो आपको किसी और डॉग से बचाता है, लेकिन इस आदमी को उल्टा इसके ही डॉग को उठा के भागना पड़ा। नंबर 2, मुकेश अंबानी अपने वॉलेट में कितने पैसे रखते हैं? दरअसल मुकेश अंबानी अपने पर्स में 1 भी रुपया नहीं रखते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज करते होंगे, पर यहाँ भी आप गलत हो। उनके पर्स में लिटरली कुछ नहीं होता। उनके पर्स में कुछ फोटोज और कुछ पर्सनल चीजों को छोड़कर और कोई भी चीज नहीं होती। उनका कहना है कि उन्हें पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अगर कहीं पर कुछ खरीदना हो तो उनके पास उनके असिस्टेंट है, और साथ ही साथ उन्हें ज्यादातर वक्त कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो अपने पर्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं रखते। नंबर 1, एप्पल का फोन अगर खराब हो जाता है तो रिप्लेस में आपको एक ब्रांड न्यू आईफोन दिया जाता है। तो आखिर उस पुराने वाले आईफोन का क्या करते हैं? दरअसल एप्पल की एक मशीन है जिसका नाम है डेजी। ये बहुत ज्यादा कमाल की मशीन है। ये मशीन 1 घंटे के अंदर 200 आईफोन्स को डिसमेंटल कर देती है और उन आईफोन में से अच्छे पार्ट्स को चुन के फिर असेंबल कर देती है, और फिर आईफोन को इंडिया, लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों में डिस्काउंट वाले प्राइस में बेचा जाता है। और अगर आईफोन ज्यादा ही खराब है तो उसमें जो मेटल कॉम्पोनेंट होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। इससे आपका फायदा होता है, एप्पल का फायदा होता है, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन भी कम होता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।